हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूक्लियर रिएक्टर 2020 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है हरीश पासवान और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका नाम है लव लव। इसमें आर के सुशांत एंड श्यामा पी का है, ऑफिशियल वीडियो है और नाम में ही इसके लव लव है, तो ये कोई लव सॉन्ग ही होगा। और देखते हैं कैसा है सॉन्ग और कितना खूबसूरत है। दो बार इसमें लव लव यूज़ किया है तो आई थिंक ये ज्यादा प्यार वाला है। ठीक है, चलिए चौक सपाट स्टार्ट वीडियो। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचती रहे। स्टार्ट वीडियो और देखते हैं क्या है सॉन्ग, फिर उसके बाद करेंगे अपनी बातें। 1 2 लव लव नंगी वाही अमना दोनों ही एक्टर क्यूट है। जैसे कोई फॉरेन सॉन्ग, मतलब मुझे तो पता नहीं था कि ये सॉन्ग बनते हैं। फालतू में जो है कोरिया कितनी, मतलब साउथ कोरिया कितनी करते हैं। चंडीगढ़ का नंबर, अरे सीएस था चंडीगढ़ का है। लव
सुन जगह चंडी कर मैं ओके सो ये तो सॉन्ग तो बड़ा ही प्यारा था, मुझे नहीं पता था कि भाई इतना अच्छा, मतलब वैसे पता ही था कि बहुत अच्छा टैलेंट है नॉर्थ ईस्ट में, पर ये वीडियोग्राफी देख कर तो वो जो होते हैं ना कॉरियन सॉन्ग होते हैं क्यूट से ऐसे भी, अगर आपको यूट्यूब पे आप क्यूट सॉन्ग सर्च करोगे तो उसमें एक्टर्स जो होंगे वो कोरिया के होंगे ज़्यादातर, साउथ कोरिया के। तो इंडिया वाले वैसे ही मतलब इतना ज़्यादा वो किया कि साउथ कोरिया एकदम, तो पता ही आपको साउथ कोरियन क्रेज कितना है मतलब इंडिया में, उसके जो ड्रामे होते हैं और उसके जो पॉप सॉन्ग होते हैं बड़े ही फेमस हैं, और एक बड़ा ही फेमस बैंड है जिसमें 5 लड़के हैं ऐसे एकदम, तो जो होते हैं ना ऐसे लड़कियों को पसंद होते हैं वैसे ही थोड़े चिकने चिटने मतलब चिकने टाइप के ऐसे क्यूट से जो होते हैं, ठीक है, मतलब वो जो साउथ कोरियन होती हैं बॉयस आपको तो पता ही होगा, आसपास के अगर आपके फ्रेंड्स होंगे और वो साउथ कोरियन का जरा भी देखती होंगी तो वो बात करती ही होंगी, मेरी तो एक फ्रेंड है वो बहुत देखती है। तो हमारे पास है भाई, हमारे पास अपना साउथ कोरिया है और क्या, पूरा नॉर्थ ईस्ट इतना मतलब क्यूट है, और मुझे तो ये लग रहा है कि देखो ऐसा है, पंजाब के पास अपनी पंजाबी जो इंडस्ट्री है बहुत फेमस है, पंजाब के काफ़ी पंजाबी इंडस्ट्री के काफ़ी जो गाने होते हैं वो बॉलीवुड में लिए जाते हैं, हर स्टेट के पास अपनी है, मुझे नहीं पता था कि नॉर्थ, आई थिंक हाँ ये पूछना था मुझे कि नॉर्थ ईस्ट के पास कोई अपनी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री या कुछ ऐसा, कि मैंने नहीं देखा है कोई उनकी फिल्में, शायद बनती होंगी और यहाँ तक नहीं पहुँचती है, यानी मतलब नॉर्थ ईस्ट से बाहर शायद उतनी नहीं आती है, तो मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना कि जो नॉर्थ ईस्ट की जो फिल्म इंडस्ट्री है तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे पंजाब की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसे जो है टॉलीवुड बोलते हैं आई थिंक, पता नहीं शायद टॉलीवुड या बॉलीवुड दोनों में से कोई एक नाम है उसका, मतलब हर स्टेट की अपनी इंडस्ट्री है, उसका कुछ पर्टिकुलर नेम है, तो नॉर्थ ईस्ट की अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसका क्या नाम है मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये सॉन्ग बड़ा क्यूट सा था, और लास्ट में जो लड़का लेके आया था ना लड़के के पीछे कार, उसका नंबर था CH चंडीगढ़, तो ये हमारे यहाँ का मतलब शूट हुआ है, मेरे को तो लगा था कि पूरी की पूरी लोकेशन फॉरेन है, क्योंकि पर शायद फॉरेन नहीं है, शायद वो इंडिया में ही सारा शूट हुआ है, और क्योंकि वो जो स्कूल वाला जो था ना वो जो लड़की जहाँ डांस कर रही थी वो बैकग्राउंड भी आई थिंक देहरादून का ही है, शायद देहरादून में एक वो जो क्या कहते हैं उसे एक है वहाँ पर ना बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट का कुछ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है, वहाँ पर बड़ी सारी शूटिंग हुई है, शायद ये शूट वहाँ से लिया गया था। तो जो भी है, इस वीडियो से मुझे ये जानने को मिला कि नॉर्थ ईस्ट में भी भाई अच्छे खासे गाने बनते हैं, वो तो हम तक बस पहुँचते ही नहीं हैं, पर मुझे पता है कि आप मेरे तक ज़रूर पहुँचाएंगे, तो रिकमेंड करते रहिए, मैं ज़रूर एक्शन दूंगा, क्योंकि सॉन्ग बहुत ही प्यारा था, दोनों ही एक्टर्स बहुत क्यूट थे, और सॉरी है दोनों ही एक्टर्स बहुत क्यूट है, और केमिस्ट्री भी दोनों की अच्छी थी, ये सॉन्ग को सूट कर रहा था। चलिए अब ख़त्म करते हैं वीडियो, मिलते हैं कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।